ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਹਾਈ ਕੱਪੂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੂੰ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕੋ ਦੇਖਾ ਤੋ ਐਸਾ ਲਗਾ ਜ਼ਾਇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਰਾਜਕੋ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਬਸ ਬਸ ਆਨੇ ਮੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਆ ਰਹੇ ਗਾੜੀ ਪੇ ਹੈ ਕਿ ਘੋੜੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਘੋੜੇ ਪੇ ਆਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕੀ ਜਬ ਗਾੜੀ ਸੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮੇ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਨਾ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ कहते बाप मुलायजा होशियार राजकुमार प्रधान रहे हैं ऐसा करते आपको पता है आप में और मेरे में एक चीज बहुत कॉमन है आपको स्त्री ने सुपरस्टार बनाया मेरे को भी स्त्री सुपरस्टार बना रही है कैसे जुई जी हाँ जी जय मेहता जी जोर से बोलो जय मेहता जी सारे बोलो जय मेहता जी मैं नहीं सुनिया जोर से बोलो जय मेहता जी जय माता दी होता है उनके हस्बैंड जय मेहता जी है ना बहुत बड़े बिजनेस मैन है मैं उनका नाम लेगी भगवान का नाम काय को लेगी मैं खैर अनिल सर आपकी बहुत बड़ी फैन है मैं मुझे भी बहुत अच्छी है खुद की आपकी मैं तो बोलती सर आप इतने बड़े स्टार हैं आप दो रखो एक इधर और एक इधर पागल है इधर दाढ़ी रखते हैं तो मेरे को क्या पता मैं तो लेडीज है ना हाय सोनू हाय ऐसी बहुत अच्छी आपका हाथ दिखाओ ना देखा मीडिया वाले झूठ बोलते क्या मैं पेपर में पढ़ी थी कि अनिल कपूर जी ने बेटी के हाथ पीले कर दिए तो सफेद है अरे बेवकूफ हाथ पीले करने का मतलब शादी कर दी है ये क्या पूछ रही तू अच्छा वो मेरे को ऐसे ही याद पता एक बार मेरे डैडी ने मेरे हाथ नीले कर दिए थे मतलब अरे मैंने उनके से पॉकेट में हाथ डाली उनको लगा मैं चोरी कर रही है लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही थी मैं तो पैसा निकाल रही थी मेरे को बहुत मारे मालूम बाद में खैर किधर अपनी पर्सनल बात में लग गई आपसे बात करती शादी कब है इटली में वो मेरी शादी नहीं थी वो किसी और की शादी थी इनके तो मुंबई में हो गई ना पागल मुंबई में हो गई इटली में नहीं किया ना अरे इटली में नहीं किया आज की डेट में लोग मानते ही नहीं फिर शादी हुई कि नहीं इटली में बहुत कह रही सच्ची में पुराने जमाने में क्या रहता था क्या मतलब शादी करने के लिए कुंडली का मिलना जरूरी था आज की डेट में वीजा का मिलना जरूरी है इटली में रणवीर सिंह का भी होता है ना शादी सबकी होती है शादी मेकअप का सब डिपार्टमेंट मेरा था रणवीर का झूठी के तू कब गई थी इटली अरे उसके ड्राइवर की बुआ का मेकअप किया था मैंने तो वो कहाँ गए थे शादी में तो उनका प्रॉब्लम है आपस में नहीं बनता रहेगा उनका मैं क्या क्या करूँ अनिल सर आपसे बात करने का था मैं नीचे बैठती मैं औकात में रहती हमेशा मैं शादी का सब वीडियो देखी आपके क्या डांस किया आप पूरा कोट वेट निकाल के शर्ट वेट निकाल के जो नाचे आप नागिन डांस पे ऐसे किया इन्होंने दीना दीन दा दीना दीन दा मालूम पाजी पंडित कितना परेशान हो गया बोला लड़की का कन्यादान करना है लड़की के बाप को बुलाओ किसी का बाप नहीं बुला पाया इनको इतने नाच रहे सच्ची बोलती और बाद में पंडित परेशान होके बोला मुहूर्त तो निकल गया इनमें इतनी एनर्जी है मुहूर्त को पकड़ के लेके इधर जा रहा है ए सपना खबरदार अगर तूने मजाक किया तो मजाक क्यों नहीं करूं मजाक नहीं करे तो ये लोग निकाल देते हैं पुरानी हिस्ट्री तो मालूम है आप लोग को इधर क्या क्या होता है खैर मैं अनिल जी की तारीफ इतने यंग डैशिंग है ना ये ससुराल जाते हैं ना तो आज भी ससुराल वाले इनको पूछते हैं और खुशखबरी कब सुना रहे हर्षवर्धन कैसे है फर्स्ट क्लास बहुत बड़ी फैन है आप ना बहुत चालाक हो आप आपने ना खुद का नाम बेटे जैसा रखा है और बेटे का नाम बाप जैसा रखा है आप लोग खुद ही बोल के देखिए सर हर्षवर्धन और खुद का अनिल
अच्छा सर, अभी ना 14 फरवरी आ रहे हैं ना, तो वो 14 फरवरी को वो कौन सा डे रहता है? वैलेंटाइन। हाँ हाँ, तभी वो हर्षवर्धन मेरे को दो ना, मेरे को लगेगा वो। ये तो पागल है, किसी से भी उनका बेटा मांग लेती तो पागल। हाँ तो अच्छा लगा तो मांगी मैं। ऐसे कैसे कैसे? बहुत अच्छे। जय मेहता जी। अच्छा जुई जी, हाँ जी, एक छोटा सा काम था मेरे को। हाँ। एक आदमी ना मेरे को सुबह से बहुत टॉर्चर कर रहा है। ये नहीं नहीं कोई है, वो ना बहुत मेरे को फोन कर करके, जुई जी का मैं बहुत फैन है। अच्छा। उनका सब पिक्चर देखे लाए मैंने, एक बार उनसे बात करवा दो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट। एक बार बात कर लेंगे शाम को, शो के बाद। हाँ शो के बाद करेंगे। हाँ। करेंगे ना, ठीक है ना। सिद्धू जी कर लेना फोन। नहीं मेरे को आपने बोले, देखिए ऐसे बैठने में आपका काम कर दी ना। और इन्होंने मेरे को खास बोला था कप्पू कि उनको प्राइवेट में बोलना, देखा मैंने इनको बोला किसी को पता भी नहीं चला। मेरे आइए ना सर, मैं औकात में ठीक हूँ। हाँ। और सोनम कैसे? आपका ना ड्रेसिंग स्टाइल मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ऐसा पेंट, इधर फूल निकला हुआ, पता नहीं किधर क्या किधर। तो ये हीरोइनें लोग बहुत जलती रहेंगी ना आपसे, क्योंकि रोज ब्रांडेड कपड़ा पहनते आप। हाँ, तो क्या? मैं आपसे नहीं जलती मालूम। मैं भी ब्रांडेड कपड़ा पहनती है। ठीक है। मैं वो वर्मानी, बुगाची, अडवानी सबका कपड़ा पहनती हूँ। ए, पागल है, अडवानी क्या ब्रांड होता है? अडवानी मेरे को कपड़े देता है तो अडवानी का ही नाम लेती ना मैं। मैनर्स हैं तेरे को, कैसे बात करते हैं गेस्ट से? मेरे को सब पता है, इन लोगों में स्टाइल है। ठीक है, बड़े लोग है, कपूर्स है, कपूर्स। अरे सुन कप्पू, क्या मैं क्या बोलती है, एक कप्पू विप्पू छोड़, कपूर्स का टाइम चल रहा है आजकल, सरनेम बदल के कपूर्स रख लेते हम लोग। अनिल सर, ये कपूर बनने का क्या प्रोसेस है? नहीं मेरे पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, रेंट का एग्रीमेंट सब है, कुछ बताओ ना कुछ रहेगा। अच्छा मैं, अरे मैं भूल गया, आपकी जो पिक्चर आ रही है उसके लिए जोरदार ताली हो जाए। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। पिक्चर का ना ट्रेलर देखी मैं, उसमें आपको बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं ना, आप रिजेक्ट कर रही हैं। मेरा उल्टा है, मेरे को बहुत शादी करनी है, एक भी रिश्ता नहीं आ रहा, कुछ करो ना मेरे लिए। अरे तेरे को क्या शादी करनी है, तेरा है ना वो क्या मुकेश? अरे हाँ ओह मुकेश को तो मैं भूल ही गई, आपको पता है ना मुकेश के साथ मेरा लफड़ा था। मुकेश कौन? मुकेश जानते हैं आप लोग, अपनी फिल्म इंडस्ट्री का है। अरे जब थिएटर में आप लोग की पिक्चर रिलीज होती है ना, तो आपकी शुरू होने से पहले वही आता है, क्या हो गया इस शहर को, हर तरफ धुआं ही धुआं, मैं हूँ 23 साल का मुकेश। आ, वो मेरा फुंसी है। फुंसी नहीं, फियोंसी है। हमारे नाला सुपारे में फुंसी रहता है। सपना तेरा हो गया, चलो यहाँ से। चलो मैं जा रही हूँ, ऐसा मेरे को डांटना नहीं है। बात करें इतने बड़े बड़े सुपरस्टार लोग के सामने आप मेरे को डांटते हैं? मालूम है अनिल सर कितने बड़े सुपरस्टार है, 40 साल से काम कर रहे, कोई छोटी बात नहीं होती। हाँ। बात करते लोग 4-5 दिन काम करके साहब घर बैठ जाते हैं, ये वो 7 दिन से अभी तक काम कर रहे, बहुत बड़ी बात है। हर लम्हे ये बेटे ने कर्म किए लाए तब जाके इतने बड़े नायक बने, छोटी बात नहीं है ये। बात करते क्या क्या फिल्में किए मालूम है अनिल जी ने, घर हो तो पैसा, घर हो तो ऐसा ऐसा वैसा घर हम लोग का रहता है, इनके घर में ही पैसा रहता है। सर आपने फिल्मों में क्या कुछ नहीं किया अनिल सर, एक्शन, रोमांस, क्या क्या डायलॉग बोले, थ्रिलर, जुई जी ने कितनी सुपरहिट फिल्में की है, राजकुमार भी देखो अभी स्त्री के बाद सुपरस्टार बन गया है, सोनम अपनी ऑलरेडी सुपरस्टार है, इतने सब आप बड़े लोग, 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को। थैंक
ये किस्सा मेरे साथ हो चुका है. किसी ने मुझे फोन किया, मुझे बहुत जरूरत है यार, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज को, 1 करोड़ रुपए भेज देना. तुझे शर्म नहीं आती जो आता है उससे पैसे मांगती है? तो क्या पैसे फ्री में थोड़ी मांग रही है, वो मेरा किस भी ले सकती है. मतलब मैं आपका मसाज भी कर सकती है. हमारे मेरा पार्लर है इधर मैम, सपना ब्यूटी पार्लर, बहुत मसाज करती है मैं. कौन सा मसाज? अलग अलग टाइप का मसाज है मेरा, 1, 2 का 4 मसाज. उसमें हम 1 को मसाज करते हैं, वो आगे 4 को मसाज करते. फिर हमारा वो इधर बहुत फेमस है अनिल सर, मिस्टर इंडिया मसाज होता है इधर. मिस्टर इंडिया मसाज में क्या होता है? उसमें मैं सबको ऐसे लिटा देती है, फिर उनका सामान लेके भाग देती है. सपना, मुझे अनिल जी का मैसेज आया अभी. क्या मैसेज है? बोलते इसको हटाओ नहीं इसको, इसका दिन दिना दिन दा कर दूं. अच्छा मैं जाती है फिर, ठीक है मैं. बाय. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. बहुत अच्छा. जय मेहता जी. जय मेहता जी. अनिल सर मैं आपकी इतनी बड़ी फैन है ना, मैं एक बार अरे खुद गले लगा रहे हैं मेरे. जबरदस्त. एक मिनट ना, ए जी ना ओ जी ना लो जी सुनो जी, अनिल कपूर जी हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री के पहले 4G. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.